हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। कि मुझे अमेरिका की साफ सुथरी गलियों में फिरने का मौका मिलेगा तो मेजॉरिटी विल गेट टू नो कि वो एक ह्यूमिलिएशन की तरफ जा रहे हैं अपना मुल्क छोड़कर। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी जो काबुल के पुराने रिहायशी हैं वो भी थक चुके हैं, वो कहते हैं कि लेट देम हैंडल विद देयर ह्यूमिलिएशन, इट्स देयर ओन चॉइस। तो सुमेरा, ये तासर क्यों दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि इस वक्त जो लोग जाना चाह रहे हैं अमेरिका या अफगानिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो ये इस वजह से जाना चाह रहे हैं कि जो तालिबान का जुल्म है वो मजीद और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तासर क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि जरा बता दें कि आप पर क्या जुल्म हुआ है। काबुल तो उन्होंने आना ही नहीं था अंदर, तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह भी कहते हैं कि हमने तो आना ही नहीं था शहर के अंदर, हमें तो अचानक पता चला जब हम आउटस्कर्ट्स के अंदर वर्दक में, परवान में, पगमान में, आगे पीछे जितने लोगर में जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमें बताया गया कि जी काबुल में अमनियती फोर्सेस जो है, अमनियती ज़वाकान कहते हैं उनको, कि वो चली गई है अपनी जगह छोड़ के। बैंक्स अनअटेंडेड छोड़ दिए गए हैं, मिनिस्ट्रीज अनअटेंडेड छोड़ दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, दे हैव गॉन समवेयर, वैनिश्ड। फिर कहते हैं उस रात इतनी बड़ी तादाद में काबुल में डाके पड़े हैं, चोरियां हुई हैं, खवातीन पर हमले हुए, वी वर टोल्ड बाय आवर लीडर्स Now enter Kabul city and take control ताकि ख्वातीन की इज्जतें खतरे में ना हो। सुमेरा, वैसे जो खत्म होने वाली अफगान हुकूमत है उस दौर में भी आप अफगानिस्तान गई थी और अब जब तालिबान का दौर है अभी भी आप काबुल में मौजूद हैं, कितना फर्क देख रही हैं इन दोनों अदवार में? अदिल, काफी फर्क है, लोग ये तो मानते हैं एटलीस्ट, गो कि अभी कैमरा पर नहीं मानते क्योंकि खतरात, वो खौफ व खतर में है, जाहिर इंसान है, एक फियर है उनको, वी कांट ब्लेम देम फॉर दैट। लेकिन वो कहते हैं खुद के हमसे एक सिपाही रिश्वत मांगता था या आते जाते बच्चियों को छेड़ा जाता था फोर्सेस की जानिब से, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। उनकी गाड़ी के पीछे, ये तो हम है ना, मतलब पाकिस्तान में रियासत को कोई भी उठा के गाली दे देता है लेकिन अफगानिस्तान में इट वाज लिटरली बैंड, आप फोर्सेस की गाड़ी के पीछे 20-30 मीटर तक भी जा नहीं सकते थे, वो गन तान लेते थे आप पे। एंड आई हैव सीन दोज थिंग्स, आई हैव विटनेस दोज, आई हैव एक्सपीरियंस दोज। ये चार जहां चेक पोस्ट थी अब वहां एक चेक पोस्ट है, वो आपको ह्यूमिलेट नहीं करते, वो बदतमीजी से बात नहीं करते। तो यानी आप आपका दौर जो है इसको ज्यादा पुरम देख रही हैं, ज्यादा महफूज देख रही हैं और आप ज्यादा वहां पर सिक्योर फील कर रही हैं? ये मैं इसमें कोई क्लेम नहीं करूंगी, आई वुड आस्क यू टू चेक ऑल द इसमें स्टेटिस्टिक्स कि पिछले 7 दिनों में जब से दे हैव टेकन ओवर द सिटी उसमें क्राइम रेट कहाँ पर है, पहले कहाँ पर था। ठीक है अदील, ये ईस्टर्न गेट है काबुल एयरपोर्ट का जो कि मिलिट्री गार्डेड है, एक सिविलियंस के लिए है, वेस्टर्न है, और एक मिलिट्री गार्डेड है जहां से अमेरिकन नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, ब्रिटिश और ये जितनी फोर्सेस थी इनकी यहां से सप्लाई लाइन एक मेंटेन की जाती थी, वहां पर लोग जमा हुए हुए थे। तो आई वांटेड टू सी कि यहां पर इनको किस किस्म का माहौल क्या है, यहाँ पर इनके साथ क्या सलूक है। और क्योंकि जब मैं पहुंची थी तो एक दिन पहले ही जो आउटर सिक्योरिटी है अमेरिका की रिक्वेस्ट पर और फॉरेन फोर्सेस की रिक्वेस्ट पर, वो तालिबान की 313 बदरी यूनिट जो है उसके हवाले की गई थी, तो उसके जवान डिप्लॉयड थे और वो मुसलसल लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी खवातीन जो हैं, बच्चे हैं, वो बहुत वनरेबल हालत में फुटपाथों पर बैठे हैं, आप लोग घरों को जाएं। तो जिनको अमेरिकन ईमेल करके और फोन करके इतला देकर बुला रहे हैं सिर्फ वो लोग आए ताकि वो अगर वो डिजर्विंग है तो वो जा सके। लेकिन एक बड़ी तादाद यहाँ पे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और एक और सूरत हाल भी इसमें ये थी कि जिसके पास एक ईमेल आई स्टेट डिपार्टमेंट से उसने उसके छापे लगा के 10-12 और प्रिंट निकाल के अपने चचा, मामू, ताया, कजन सबको बांट दिए और वो सब आ गए एक एक प्रिंट आउट लेके। तो सिचुएशन वाज वर्सनिंग और फिर उसमें जब 15,000 अमरीकी शहरी जो है अभी भी बताया जा रहा है कि मौजूद है, 50,000 से 60,000 अफगान मुआवनीन है जिनको निकालना है, तो ये तो तारीख का सबसे बड़ा फिजाई रिलीफ ऑपरेशन तो है ही है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो है ही है, लेकिन ये तो मामला भी लंबा चलेगा, ये तो 50,000 से 60,000 लोग हैं जिनको रेस्क्यू करके यहां से निकाला जाना है। नहीं अदील, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज
जबीहुल्ला मुजाहिद का एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट था कि हम मजीद एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि इनके ट्रुप्स के फुटप्रिंट्स होने की वजह से ही हर अफगान जो यहाँ से जिसको नहीं जाना चाहिए वो भी जा रहा है और हर एक को असाइलम की पड़ गई है। अब ये जाते जाते इन्होंने एक और फ्रेंजी क्रिएट कर दी है अफगानिस्तान में। हम समझ रहे थे कि सुकून से बाइज्जत तरीके से विड्रॉल करेंगे मगर इन्होंने दोहा अकॉर्ड की एक मरतबा फिर उसकी वायलेशन की है और इन्होंने जाते जाते एक और जो एक बड़ा मसला है उस बड़े मसले को खोल दिया है हमारे लिए है और हमारी खवातीन की उसमें बहुत बेइज्जती हो रही है। तो ये खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिका ने अपना इनखला थोड़ा डिले करने का कहा है जिस पर तालिबान का ये कहना है कि ऐसा नहीं करने देंगे, अगर इनखला लेट हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप अभी मजीद यहाँ पर रहना चाहते हैं। ऐसा ही है मारिया और ये उनको बिल्कुल दोहा अकॉर्ड के मुनाफी लेकर जाएगा। उन्होंने अगर 31 अगस्त से आगे 11 सितंबर तक भी लेके जाने की कोशिश की तो दे विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन देम और यही वजह है कि जो मैं आपको बता रही थी कि वो वक्त क्यों ले रहे हैं, वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप को क्यों एक जगह एक्सपोज नहीं कर रहे। आपको ईरान याद होगा इंकलाब के बाद जब उनका पहला इजलास था तो वहां पर धमाका कर दिया गया था एंड इरानियंस दे लॉस्ट देयर क्रीम लीडरशिप। तो सुमेरा ये वादी पंजशेर की क्या सूरत हाल है, वहां सुना है कि बड़ी लड़ाई जारी है, इस तरह की इत्तला आ रही है, कई हलाकतें हुई हैं, तो ये खाना जंगी सी की कैफियत तो है ये? आई थिंक पंजशेर एक बहुत छोटा इलाका है मगर बहुत पुरसकून रहा है आज तक और अपनी जो एक जियोग्राफिकली उसकी एक जो लोकेशन है एक बॉटल नेक शेप में उसकी एंट्रेंस है, दो पहाड़ों के दरमियान एक ही एंट्रेंस जाती है, उस वजह से ये आज तक बहुत ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया तालिबान को मगर वो कभी इसको फतह नहीं कर सके। इस बार तालिबान चाहते हैं कि निगोसिएशन से मसला हल हो जाए थ्रू उलमा, दोनों तरफ के उलमा बैठे और इस दौरान अमरुल्ला साले और कंपनी जो है वो ये अफवाहें जरूर फैला रहे हैं कि हमें ताजिकिस्तान से तैयारे मिल गए हैं, फौजी इक्विपमेंट मिल गया है, फौज मिल गई है, दोस्तम आ रहे हैं, जनरल अतानूर वापस आ रहे हैं। ये रूमर्स एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है मगर हकीकत ऑन ग्राउंड ये है कि तालिबान ने इस वक्त सिर्फ मुहासरा किया है पंजशेर वैली का और 2-3 चेक पोस्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है जबकि तालिबान की दूसरी पार्टी पर एम्बुश हुआ है कल जिसके अंदर 11 से 12 तालिब जो है वो उसमें वो जाबहक हुए और वो नुकसान पहुंचे इसके बावजूद। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप देख रहे हैं ये तालिबान जो महिला को डंडे से मार रहे हैं और एक दूसरी पिक्चर में वो तालिबान महिला को फूलों से मार रहे हैं। तो जो ये पाकिस्तान की दो महिलाएं हैं इनको तालिबान की शायद ये दूसरी वाली पिक्चर जो फोटोशॉप पिक्चर है वही देखकर ऐसा कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि तालिबान इतना अच्छा हो चुका है महिलाओं के लिए। ये इस तरीके की बातें कर रही हैं पाकिस्तान की महिला कि यहाँ पर कुछ भी माहौल ख़राब नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लोग क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। आपको रियलिटी बताऊं तो तालिबान जो कुछ कर रहा है उसके आपको प्रॉपर वीडियो भी नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर वीडियो कैसे ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि क्योंकि तालिबान जब किसी को मारेगा गोली या रेप करेगा या किसी महिला को लटकाएगा तो उसके आपको बहुत कम मतलब है 100 में से 2 या 3 पिक्चर आपको मिल पाएंगी और बाकी नहीं मिलेंगी क्योंकि उसकी बदनामी होगी। लेकिन ये सब हो रहा है, तालिबान उन लोगों को खासकर मार रहा है जो कि अशरफ गनी गवर्नमेंट के अंडर में ब्यूरोक्रेसी में थे, अमेरिका के लिए काम करते थे, मतलब उनके बनाए गए सिस्टम के द्वारा उसके अंदर थे। तो ये तालिबान तो खुद ही एक बेवकूफ़ है, ये लोग उन लोगों को मार रहा है, बैंक वालों को मार रहा है, बैंकों में महिलाओं को काम करने नहीं देंगे तो ये देश कैसे चलाएंगे? ये क्या सोचते हैं कि वो ट्राइबल रूल वो क्या उसी तरीके से चला लेंगे जिस तरीके से हज़ारों साल से मतलब लूट कर कब्जा कर कर इस तरीके से चलाएंगे? इनका मतलब कुछ सिस्टम अभी बन नहीं रहा है दोस्तों। तो ये महिलाएं जो इस तरीके की बातें कर रही हैं पाकिस्तान की महिलाएं, आपने देखा एक चश्मे से एक दूसरी एंकर तो इस तरीके की बातें कर रही हैं कि तालिबान में सब कुछ मतलब वहां पे अफगानिस्तान में नॉर्मल कर दिया, जो जैसा पहले था वैसा है। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ की जो एक पॉप सिंगर है, पॉप सिंगर अफगानिस्तान की पॉप सिंगर, ये आप तभी सुन सकते हो जब ये पिछले 20 साल में जो अमेरिका और अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया उस वजह से अफगानिस्तान की पॉप सिंगर इस तरीके का आप वर्ड भी सुन पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, तालिबान के अंडर में ये सब होने वाला ही नहीं है। तालिबान ने एक कॉमेडियन को मारा, तालिबान वहाँ पर जितने रेडियो स्टेशन है जो भी मतलब आर्टिस्ट आर्ट से लेकर चीज़ें हैं उनको सब पर बैन लगा रहा है। तालिबान स्कूलों में अगर लड़कियां जाती हैं तो उस स्कूल में लड़के नहीं जा सकते, ये भी एक बड़ी बात है कि लड़कियां स्कूलों में जाती हैं क्योंकि तालिबान जो लास्ट टाइम था उसने बोल दिया कि हम स्कूल में लड़कियों को जाने ही नहीं देंगे।
तो इस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पर, और पाकिस्तान की महिलाएं उनकी तारीफ कर रही हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ आए, स्पेशली जो ये तालिबान वाला शरिया लॉ आए, जिससे होगा क्या, होगा कुछ वही जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान में होगा। तो इन महिलाओं के साथ भी वैसा कुछ होगा, इनको भी वो शटल क्रॉक वाला बुरखा पहनना पड़ेगा, फिर ये न्यूज़ में बैठें, न्यूज़ में कैसे बैठेंगी, उस रूल के अंदर तो औरतों को पाबंदी ही नहीं है। और पाकिस्तान में उस चीज़ के असर भी दिख रहे हैं, पाकिस्तान के जो मर्द हैं उसी के तरफ, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री में शरिया लॉ आए, उसी तरीके का कुछ वैसा सिस्टम बने, इस्लामी कानून बने। अगर आप जाकर देखें वहाँ के लोकल लोगों की यही डिमांड है। तो दोस्तों, आने वाले समय में और भी सिचुएशन क्लियर होगी, और जो इस तरीके की पाकिस्तानी महिलाएं बातें कर रही हैं शायद ये आपको सुनने ना मिले। तो आपको क्या लगता है इनके कमेंट से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं तो इसको बोलूँगा कि डेफिनेटली ये होना चाहिए और पाकिस्तान में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इनको तब पता चलेगा। इतना सफ़ेद झूठ कोई कैसे बोल सकता है जितना ये लोग बोल रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।